सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए दिव्यांग जनों को सौंपेंगे आवंटित आवास, लखनऊ के लोक भवन में होगा कार्यक्रम। यूपी में कई जगहों पर सुरक्षा सख्त, तनावपूर्ण हालातों को लेकर अलर्ट पर पुलिस, हिंसक प्रदर्शन में हो चुकी है 17 लोगों की मौत। अलीगढ़ के हिंसा पत्थरबाजों की हुई पहचान, अब सीसीटीवी से करीब 30 दंगाई हुए चिन्हित, दंगाइयों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने जगह जगह लगाए पोस्टर। लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में सर्दी के चलते 24 दिसंबर तक बंद किए गए स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। नागरिकता कानून को लेकर भाजपा का जागरूकता मिशन, बरेली में भाजपा ने गोष्ठी का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को दी जानकारी, लोगों को घर घर जाकर भ्रम दूर करने की अपील की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, हरिद्वार उधम सिंह नगर में घने कोहरे का अलर्ट जारी, अब और भी सर्द रातें रहने का अनुमान। उत्तराखंड में जल्द बनेगा पांचवा धाम, सैन्य धाम बनाने के लिए नगर निगम ने शिप्रा विहार में 50 बीघा जमीन को किया चिन्हित। यमुनोत्री धाम में जमी 6 फीट बर्फ, बर्फ से ढका धाम के आसपास का इलाका, शीतकाल में साधु संन्यासी करते हैं पूजा। दिल्ली के किराड़ी में भीषण आग से 9 लोगों की मौत, 3 घायल, इंदिरा इनक्लेव के गली नंबर 4 में शॉर्ट सर्किट से हादसा, कपड़े के गोदाम में भड़की थी आग। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान जारी, रुझान में कांग्रेस प्लस को मिला बहुमत, कांग्रेस साथी को 40 सीट, भाजपा को 31 सीटों का रुझान। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।